final women's 400 metres. You smashed that race. How are you feeling? I'm feeling good. Very beautiful stadium, very beautiful track, very beautiful audience, support to all players. So feeling very good. You were looking so calm there on the start line. You must be going into this with so much confidence, knowing you've run the best time out of all the girls. Yeah, I'm confident. I'm going final. So I'm very comfortable for final. You've seen some of the competition now. Do you have a race strategy going through to the final? I will try my best time into better for semi-final than final. जिस देश में बहुजनों और महिलाओं के साथ जुल्म अत्याचार किया जाता है, उनकी अस्मिता को तार-तार किया जाता है, उसी भारत देश की एक बहुजन समाज की 18 साल की बेटी हिमा दास ने विश्व स्तर पर भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हिमा दास ने भारत में हुए फिनलैंड में जारी IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप की महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। पहली बार भारत को इस इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। हिमा ने महिला, पुरुष, जूनियर, सीनियर सभी वर्गों में पहली बार वर्ल्ड ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीता है, वो भी 51.46 सेकंड के रिकॉर्ड समय में। जो काम अब तक कोई भारतीय नहीं कर पाया वो हिमा ने कर दिखाया है। हिमा असम के नगांव जिले के धींग के पास कंधुलिमरी गांव से हैं। हिमा के पिता रोजीन दास और मां जोमली चावल की खेती करते हैं। बेहद गरीब परिवार से आने वाली हिमा 6 बहन भाई में सबसे बड़ी हैं। तमाम मुश्किलों को हराते हुए हिमा ने ये कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें, हिमा से पहले भारत की किसी भी महिला ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के किसी भी स्तर पर गोल्ड मेडल नहीं जीता था। हिमा दास वर्ल्ड लेवल पर ट्रैक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। चौथे नंबर की लेन में दौड़ रही हिमा दास अंतिम मोड़ के बाद रोमानिया के आंद्रिया मिकलोस में पिछड़ रही थी, लेकिन आखिर में तेजी दिखाते हुए हिमा बाकी धावकों से काफी आगे रही। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला ने हिमा दास को गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।